पीरियड आदि हो, कक्षा 8 विषय गणित में अपने पास जो समीकरण चल रहे थे और उसमें प्रश्नावली 2.4 उसमें कुछ जो उदाहरण है उन उदाहरणों का कुछ प्रयोग है। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास दो अंकों की संख्या का है जो एक उदाहरण है, और इस प्रकार का क्वेश्चन विशेष है। ये दो अंकों की एक कोई संख्या है और उस संख्या के हमें इकाई और दहाई के अंक याद करके संख्या ज्ञात करनी है। लिखा है दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है, इस संख्या के अंकों को बदल करके प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें हमें दो अंकों की कोई संख्या है और उन संख्या के दोनों जो अंक हैं उनका अंतर 3 बताया गया है, और इसके साथ ये भी लिखा है कि अगर उस संख्या के जो अंक हैं उसका स्थान बदल करके उसमें 143 जोड़ा जाए, अगर संख्या के अंकों का स्थान बदल करके पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तब हमें योगफल 143 प्राप्त होता है, और हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या के इकाई और दहाई के दोनों अंक ज्ञात करने हैं। अपने पास एक तरह वाला समीकरण चल रहा है, तब हमें इसे मानते हैं, माना कि संख्या का इकाई का अंक क्योंकि दो अंकों की संख्या है तब संख्या दहाई में है तो इकाई का अंक एक्स है। हम अपना इकाई का अंक एक्स है तो दहाई का अंक यानी दोनों जो अंक है उसका अंतर 3 बताया है, तब इकाई का अंक एक्स है तो दहाई का अंक
बनने वाली संख्या बराबर, जब अंकों का स्थान बनेंगे तो दस तो ढाई के लिए लगा है ये अपने स्थान पर रहेगा, और केवल संख्या में जो अंक है उसका स्थान बदल जाएगा इकाई और ढाई का। तो ये अंक बदलने पर बनने वाली संख्या ये है, ये नई संख्या हमें प्राप्त हुई है, और उसमें शर्त भी है कि ये जो नई संख्या प्राप्त हुई है इसको हमें उस पहले वाली जो संख्या थी उसमें जोड़ने पर हमें योगफल 143 प्राप्त होता है। अतः जोड़नी है 10 कोष्टक एक्स प्लस एक्स प्लस 3 और बराबर योगफल 143 हो जाता है इन दोनों का, तो बराबर 143 आ गए। अब हमें इसको हल करना है, या 10 एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 10 एक्स प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 143, यानी कोष्ठकों में उठा करके संख्या को हल कर लिया गया है, तब अपने पास संख्या हो गई 10 एक्स और 10 20 एक्स, 20 तो 22 एक्स, एक्स एक्स की तरह को एंट्री जोड़ दिया गया है और प्लस आंसर पर हो गए 30 और 3 33 बराबर 143, या 22 एक्स बराबर 143 माइनस 33 पक्षांतर करने पर, यहां इसका पक्षांतर किया गया है, पक्षांतर करने पर या 22 एक्स बराबर 143 में से 33 गए 110 बच गए। अब दोनों पक्षों में वो प्राप्त हो जाएगी, यानी 10
कॉस x का मान आ गया 5 प्लस 3 और प्लस x का मान 5। अब इसको हल कर लेते हैं, 10 cos x 5 और 3 हो गया प्लस 5, यह संख्या हो गई 80 प्लस 5। उसके बाद हमें संख्या प्राप्त हुई है 85। अपने पास संख्या 85 है जिसमें दोनों जो अंक है उसका अंतर 3 दिखाई दे रहा है, और प्रश्नानुसार अगर हमें जांच करें तो अगर 85 और उसका अंकों का स्थान बदल के अब संख्या हुई, हम लिखेंगे 2 अंकों की संख्या इच्छासी है जिसमें दोनों अंकों का अंतर 3 है, और संख्यानुसार दोनों जो अंक है उसका अंतर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, ये संख्या 85 प्राप्त हो रही है जिसे हमें दोनों अंकों का अंतर प्राप्त हो रहा है। हाँ, हमें इसके उत्तरों की जांच भी कर सकते हैं, साथ साथ में आपको उत्तरों की जांच करना बताया था, प्रश्न की साथ के अनुसार जो 85 संख्या थी उसमें अंकों का स्थान बदल कर जोड़ने पर हमें योग पर 143 होना था। तो देखो 8 5 13 को 3 हो, 8 5 13 है 14 बच्चों को 143 बराबर 143 समीकरण है, संतुलित है और दोनों पक्ष बराबर है, तो यह अपना उदाहरण हुआ है। इसके अनुसार हमें 2.4 के क्वेश्चन है वो हल होंगे, और ये संख्यात्मक जो सवाल है वो विशेष तौर से आगे की कक्षाओं में भी चलता है, 9th में ट्रेंड करेगी, तो इसको आप अच्छी प्रकार ध्यान से देखें। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5 2 घटाकर के परिणाम 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वो सोची की संख्या की 3 गुनी है, बस सोची की संख्या ज्ञात कीजिए। उसको विशेष तौर से चर को एक्स मानते हैं, क्वेश्चन को हल करना है। माना कि आमिना द्वारा सोची गई संख्या एक्स है, अब हमें प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार जो शब्द उसमें के वह उसमें से 5 2 बैठा करके वो दो संख्या सोचती है, उसमें से 5 2 बैठा करके और जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है,
और अगर परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना ही है। तो x में से 5 का 2 घटाने पर 2x माइनस 5 बटा 2 इंटू 8। अब क्या कहता है, जो परिणाम बचा था उसको 8 से गुणा कर दिया और गुणा कर दिया उसके बाद जो परिणाम मिलता है, अब ये इसको जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो ये जो संख्या है सोची गई संख्या की 3 गुना है, तब 2x माइनस 5 बटा 2 इंटू 8 बराबर 3 इंटू सोची गई संख्या x। अब ये प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन बन गया है और हमें सॉल्व करना है। 8 × 16x माइनस 8 × 40 बटा 2 बराबर 3x या दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर 16x माइनस 40 बटा 2 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3x। यानी नीचे वाली संख्या का गुणन करने के लिए हमें दोनों पक्षों को 2 से गुणा किया गया है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए, 16x माइनस 40 बराबर 6x। अब हमारे पास अपक्षांतर करने पर 16x माइनस 6x बराबर 40 या 10x बराबर 40। अब फिर दोनों पक्षों में 10 का भाग करने पर दोनों पक्षों में 10 का भाग करने पर x बराबर 4। अब x का मान 4 आ गया और उसके द्वारा सोची गई संख्या 4 है। अब हमें सूत्र की जांच करनी है कि जो सोची गई संख्या है वो सही है या नहीं। तो x का मान अपने पास 4 आ गया और x सोची गई संख्या थी x बराबर 4। अब प्रश्न की शर्त के अनुसार हम उत्तर की जांच करते हैं। उसने कहा कि सोची गई संख्या में से 5/2 बैठाना है, 4 − 5/2 बैठाने पर 8 − 5/2 बराबर 3/2। आगे जो सोची गई संख्या है उसको 8 से गुणा करने पर इंटू 8 × 24/2 बराबर 12। तो ये जो संख्या है ये उस सोची गई संख्या की 3 गुणी बता रहा है। तो उसने संख्या सोची गई संख्या का मान हमें 4 निकाला था और इसकी 3 गुणी हमें 12 प्राप्त हो गई। इससे पता चलता है कि अपना जो उत्तर है वो सही पाया गया है जांच करने के बाद।
जो प्रश्न है वो आप कॉपी में करोगे और भिन्न तरीके का जो प्रश्न है वो मैं फिर बता दूंगा आपको कार्रवाई पीरियड में।